हेलो गाइस, मेरे प्यारे व्यूवर्स, माय यूट्यूब चैनल सम्यक टेरिस गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं सर्दियां शुरू हो गई हैं, काफ़ी ठंडक, मिनिमम टेम्परेचर 10 हो गया है और मैक्सिमम वही 25-26 के आसपास हो गया है। दोस्तों, टेरिस में जो हमारे मनी प्लांट वो रखा रहता है बोगनविलिया, उस बारे में आपको एक विशेष जानकारी देता हूँ। बोगनविलिया एक ऐसा पौधा आता है जो डोरमेंसी पीरियड में नहीं जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा सर्दी और गर्मी और बरसात का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, इसमें चेंजिंग ये आती है कि जब डोरमेंसी पीरियड में ये होता है थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा सर्दी होती है तो ये अपने फ्लावरिंग का साइज़ कम कर लेती है। इसका फ्लावरिंग का साइज़ कम हो जाता है और ब्राइटनेस कलर की बढ़ जाती है। ये एक्चुअली मौसम की वजह से होता है, टेम्परेचर डाउन की वजह से ऐसा होता है। दोस्तों, सर्दियों में इसकी विशेष केयर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कुछ व्यूवर्स हमारे जो है ना, बहुत ज़्यादा इसमें पानी डाल देते हैं, सोचते हैं कि सर्दियां हैं, पानी खूब डाल दें, नहीं तो ये मर जाएगा। तो दोस्तों, इसके नीचे जो जड़ों में जो है ना, अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे, बार बार पानी डालेंगे, तो उसकी रूट जो है ना, वो फंगस लग जाएगा, रोटेड हो जाएंगे और आपका पौधा इतना अच्छा ना चल के फिर भी अगर उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा बनी रही तो वो सूख जाएगा। दोस्तों, ये बोगनविलिया डबल का पौधा है, देख रहे हैं आप कितना कितना सुंदर है, कितना ज़्यादा फूल लगे हुए हैं इसमें। और इसमें ये देखिए आप, अगर दोस्तों ये आप देख रहे हैं जो इस तरह के फूल खिल चुके हैं ना, उनको आप प्रूनिंग कर सकते हैं, ये देखो हटा सकते हैं, अगर और सुंदर दिखने के लिए आप इनको हटा सकते हैं, हटा दीजिए। दोस्तों, इसमें खाद जो हम लोग फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, तो इसमें फर्टिलाइज जो है ना, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र कम डालते हैं, बहुत कम फर्टिलाइज़र इसमें डाला जाता है, ख़ास तौर से सर्दियों में इसमें फर्टिलाइज़र नहीं डाला जाता है। और अगर आप फिर भी कुछ फ्लावरिंग हो रही है, कुछ डालना चाह रहे हैं, तो NPK 20-20 दो महीने के इंटरवल पर आप डाल सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आपकी फरवरी आ जाएगी, फरवरी में दोस्तों इसमें आप प्रॉपर फर्टिलाइजेशन करेंगे, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो, कुछ कोकोपीट भी मिला सकते हो और कुछ जो है ना, इसमें जो है ना, बोन मील वगैरह ला सकते हो। दोस्तों, NPK 20-20 तीनों का फुल उसमें आपको फ्लावरिंग कवर कर लेगी, पोटेशियम में आपकी लीव्स कवर कर लेगी और काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र कंप्लीट एक डाइट तैयार हो जाती है प्लांट्स की। दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही बरसात का सीज़न जुलाई आता है, आप इसकी छोटे छोटे एडवांस जो एक्स्ट्रा हैं उनकी कटिंग करके एक प्रोपोगेशन तैयार कर सकते हैं, नया प्लांट बना सकते हैं। दोस्तों, जुलाई में इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, कटिंग करके उसमें नीचे रूट हार्मोन्स मार्केट में आता है, सिनेमोन पाउडर आता है, हनी है, आपका एलोवेरा जेल है, उसको लगा के आप इसको ज़मीन में या छोटे से 6 इंच के गमले में बर्मी कंपोज, कोकोपीट, सैंड और थोड़ा सा गार्डन सॉइल मिला के लगाने से इसका कटिंग बहुत बहुत आसानी से तैयार। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे जितने भी ये प्लांट्स हैं, उधर सब हमने कटिंग से तैयार किए हैं, सब कटिंग से तैयार किए हैं, देख लीजिए, और सब में कितनी अच्छी सी फ्लावरिंग हो रही है। ये हमारे खुद अपने मार्केट से खरीदे हुए नहीं हैं, सब मैंने कटिंग से इन प्लांटों को तैयार किया है। एक मदर प्लांट हमारे पास आया था, मैं नर्सरी से लाया था, उसके बाद जो है ना, मैंने सारे उसी से तैयार किए हैं। दोस्तों, इसमें कुछ लोग जो है ना, बहुत ज़्यादा खाद डालते हैं, वो इसके लिए बहुत नुकसान करता है। ये बहुत हार्डी प्लांट है, दुनिया की भर की मैं बात कर रहा हूँ, प्लांट ये हार्डी होने की वजह से आपको रोडों पे बहुत जगह आपको मिल जाएगा, जहाँ पर इस तरह का टेम्परेचर रहता है 18 से 23, 24, 31, 32, इवन मैंने यहाँ तक देखा है कि ये 40-40 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में बताता, इसकी हज़ारों वेराइटीज़ होती हैं, इसमें कुछ सिंगल होती हैं, कुछ डबल होती हैं, इसकी कई, इसको हम लोग एयरलाइन से भी तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, मैं किसी वीडियो में एयरलाइन से यहाँ पे कट करके उसमें मॉस घास बांध देते हैं, चारों तरफ से उसका पॉटेक्स जो बाहर की बार्क होती है उसको हटा के
और उसको 1.5 महीने के बाद आप देखेंगे सेल्फ उसमें रूट डेवलप हो जाते हैं। दोस्तों ये बहुत, इसको प्रोपेगेट करने के लिए, इसके पौधे बनाने के लिए एक से कई ये बहुत सारे मेथड हैं और बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाता है। अब मैं इसकी दोस्त बात करता हूँ कि ये बुशी कैसे हो, इतना घना कैसे हो। तो दोस्तों इसमें जो है ना एडवांस जो है ना एक्स्ट्रा जितनी भी ब्रांचेज आती रहती हैं, जब इसकी फ्लावरिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप इसको कट कर सकते हैं। इसको जिस शेप में लाएं उस शेप में आप इसको ला सकते हैं। इसकी बॉन्साई बहुत प्यारी सी बनती है, मेरे पास कई बॉन्साई हैं, इसकी बॉन्साई भी आप बना सकते हैं कट करके, रूट को नीचे से कट करके, वो अलग मेथड है, वो उससे बन सकता है। दोस्तों हमारा ये बोगनविलिया देखिए कितना खूबसूरत प्लांट कैसे लगा है। अगर आपको ये हमारा पसंद आया हो तो दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।